हमें राज्यों में लोकल लेवल पर इस व्यवस्था को समझना होगा, इसे कैसे लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर काम करना होगा। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने इवनिंग कोर्ट की शुरुआत की थी और देश में पहली इवनिंग कोर्ट की वहां शुरुआत हुई। इवनिंग कोर्ट्स में ज्यादातर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाज से बहुत कम गंभीर होते थे। लोग भी दिन भर अपना कामकाज निपट करके इन कोर्ट्स में आकर न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरा करते थे। इससे उनका समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी। इवनिंग कोर्ट्स की वजह से गुजरात में बीते वर्षों में 9 लाख से ज्यादा केसों को सुलझाया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी है। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। साथियों, आप में ज्यादा लोगों के पास संसदीय कार्य मंत्रालय का भी दायित्व होता है, यानी आप सभी कानून बनने की प्रक्रिया से भी काफी करीब से गुजरते हैं। मकसद कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कानून में ही भ्रम होगा, स्पष्टता का अभाव होगा, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है।